आज की कविता में बात कवि नरेश चंद्रकर की और उनकी दो प्रेम कविता मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली कविता जिसका शीर्षक है प्रेमिका के हाथ। वे यहां आ रहे हैं जैसे लाखों मील दूर से आता है सूरज का प्रकाश। वे यहां आ रहे हैं जैसे लाखों मील दूर से आता है सूरज का प्रकाश। आकाश में सरकते सजल मेघों से वे आ रहे हैं मेरे सपनों में। वे भिगो रहे हैं मुझे अचानक आई बरसात बनकर। वे भिगो रहे हैं मुझे अचानक आई बरसात बनकर। कार्तिक की मुलायम धूप की लंबी फांकों जैसी उंगलियों से वे बुला रहे हैं संवेदनाओं के गुनगुने संसार में। पसीने में भीगी हथेलियों में रुमाल लिए वे आहिस्ता आहिस्ता थाम रहे हैं मेरे हाथ। वे याद आ रहे हैं प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाओं की तरह खेतों को सींचने मेड़ों से निकली किलकिलाती जलधाराओं की तरह। वे याद आ रहे हैं कुछ जरूरी शब्द बनकर जिनके अर्थ इन दिनों खतरे में पड़े हैं। अगली जो कविता है उनकी उसका शीर्षक है उपस्थिति। तुम उपस्थिति को अर्थ देती हो फिल्टर से छनकर टपकती बूंदों का सजल मध्यम स्वर तुम्हारी धड़कनों से उठता है। नमक का स्वाद नमक की तरह नहीं लगता। कपड़ों की तह में तुम्हारे हुनर के सबूत छाए रहते हैं। तुम ग्लास भर पानी भी लाती हो तो वो सिर्फ ग्लास भर पानी नहीं होता है तुम अपनी उपस्थिति में हजार हजार तरह से शामिल रहती हो। पृथ्वी घूमती है तुम्हारे साथ। तुम हो तो उम्मीद बची है मंगल ग्रह पर जीवन होगा। ब्रह्मांड में कई सूर्य चमकते होंगे। तो ये दो कविताएं नरेश चंद्रकर जी की थीं जो उन्होंने अपनी पत्नी प्रभिता के लिए लिखी थी और इनको मैंने इस कविता संग्रह से लिया है जिसका नाम है खिल गया जवा कुसुम। और इस कविता संग्रह का संकलन और संपादन किया है सुमन सिंह ने और इसे प्रकाशित किया है सर्व भाषा ट्रस्ट ने।